नमस्कार दोस्तों, कुंडली टीवी की पूरी टीम की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ खास और नया बताने वाले हैं। धनतेरस पर शॉपिंग तो लगभग हर घर में की जाती है, क्योंकि ये दिन खरीदारी के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से सामान खरीदकर घर लाते हैं। कई सोना तो कई चांदी खरीदते हैं, वहीं कई लोग घर में नई गाड़ी लेकर भी आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन गाड़ी की पूजा करने की भी एक खास विधि है? तो चलिए वो खास विधि जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट अरुण कुमार जी से। धनतेरस पे आप चीजें खरीद के लाते हो, खास मान्यता है कि सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का या और भी घर के लिए बहुत सा सामान खरीद के लाते हो। हमारे यहाँ लोग व्हीकल भी खरीद के लाते हैं, या आपके घर में जो पुराने भी व्हीकल है वो भी हो सकते हैं। आप पूजा के समय व्हीकल के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाइए सिंदूर से, और ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए उसको चारों तरफ चक्कर लगाएं, जिससे आपका व्हीकल कभी ख़राब नहीं होगा, वो ठीक चलेगा और हो सकता है उसकी एवरेज बढ़ जाए और आप बढ़िया हो जाओ। तो आप उन पे करो, सिक्कों पे भी स्वास्तिक का निशान बनाइए तो वो सिक्के आपके घर की सुख समृद्धि के लिए बढ़िया रहेंगे। पूजा के बाद वो सिक्के आप धन वाले स्थान पे संभाल के रखिए, इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी और आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की। अगर आप दिवाली के दिन अपने वाहन की इस विधि से पूजा करते हैं तो आपका हर तरह की दुर्घटना से बचाव होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये पूजन विधि सिर्फ नए वाहन के लिए नहीं, अगर आपके पास पहले घर में कोई वाहन मौजूद है तो उसकी भी पूजा गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद जरूर करें। तो चलिए अब दीपावली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जो कि आपकी जिंदगी को और भी खुशहाल बना सकते हैं। दिवाली की पूजा में आप जैसे पूजा करते हो उसका शुभ मुहूर्त, शुभ टाइम आपको पंजाब केसरी अखबार से मिल जाएगा, उसी समय पूजा कीजिए, जिससे उस टाइम की बहुत मान्यता होगी। वो शुद्ध टाइम आपके लिए सुख समृद्धि लेके आएगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सिक्कों के साथ अगर आप 7 सुपारी सफ़ेद कपड़े में डाल के अपने घर की अलमारी में रख लेते हो तो आपके घर तरक्की करेगा, बच्चे आपके खुशहाल हो जाएंगे, आपके घर में सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। वास्तु के हिसाब से ये बहुत अच्छा टोटका है जो बहुत बार आजमाया गया और हर बार कामयाब हुआ है। आप सेविंग के लिए ये उपाय जरूर करें। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।